जी कुकिंग बाई परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली भी तुहाडा स्वागत है। अज असीं तुहानू साबत मूंग दाल बना के दिखावांगे। साबत मूंग दाल की रैसपी जे तुहानू अच्छी लगे, पसंद आए, तो इहनू लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ। तो जे हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वह भी प्लीज़ कर दिओ। तो हुण असीं साबत मूंग दाल बनाना शुरू करते हैं। तो इहदे वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की जरूरत है एक एक करके असीं तुहानू दिखाने हां। इहदे कोल सब तो पहले मूंग दाल असी एक कौली तो थोड़ी जी थले बस लई, इन्नी क लई है। ये वास्ते असी थोड़ा जहा अदरक लिया, ये असी पीसिस करके रख लें। तो उस तो बाद जे मसाले यूज होने ने, सब तो पहले नमक, रेड मिर्च, हल्दी ते काली मिर्च, ते देसी घ्यो असी इनू तड़का लगावेंगे। तो अच्छा सब तो पहले असी जी दाल है इनू असी 5-6 बारी वॉश करना। वॉश करन तो बाद फिर असी इनू कुकर च पावांगे। तो ये असी इस कुकर असी जो पानी है कुकर च थोड़ा ज़्यादा ही पैंदा, क्योंकि इस 10 घट तो घट भी विसल्स दवानिया पैंदियां, को हार्ड हुंदी है दाल। तो आधा कुकर तो माड़ा जिहा ज़्यादा ही पानी पैंदा इहदे च। तो ये असी पानी पाता कुकर च, जब तक असी कुकर ऑन करता है गर्म होएगा, उस नाल दे नाल असी दाल वॉश करते हैं। 5-6 बारी वॉश करन तो बाद असी इहदे च पावांगे, क्योंकि किसी भी तरह की कोई दाल स्मैल वगैरह निकल जाती है। तो उस तो बाद असी इनू दाल और अदरक असी मिक्स कर देना, नमक मिर्च कर देना। तो उस तो बाद असी कुकर बंद करन तो बाद जब इसकी कंप्लीट 10 विसल्स होणगियां तां असी इनू बंद करांगे। दाल असी वॉश कर ली, हुण असी इहदे च कुकर च ऐड कर रहे हैं पानी। देखो जी इन्ने क पानी है, अद्धे कुकर थोड़ा जो उपर ही पानी है, क्योंकि ये 10 विसल्स काफ़ी ड्राई हो जाना पानी। तो दाल असी बहुत ही हल्की बना के तुहानू दिखानी है, क्योंकि दाल च कोई भी हैवी चीज़ मिक्स नहीं की गई, ना तो मसाले हैवी किए गए, ना कोई होर चीज़ मिक्स की, सिवाए एक अदरक पाया। तो लास्ट असी सिर्फ काली मिर्च का तड़का इसे लगाना। तो ये वाली दाल इन्नी हल्की बनती है कि इनू किसी भी एज का परसन इनू हजम कर सकता है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई बच्चा है, या कभी बारी कोई बीमार भी होंगे तो उन्होंने भी ये हल्की जी दाल बना के दी जा सकती है। तो ये बहुत वधिया अच्छी लगती है। हल्दी थोड़ी ज़्यादा, हाँ जी हल्दी को ग्रीन कलर है, थोड़ी जी हल्दी ज़्यादा पेगी। हाँ देखो जी हल्दी असं पा रहे हैं, क्योंकि यदा कलर बहुत अच्छा बन जाता है। मिर्च थोड़ा तो स्वाद मुताबक है, असं थोड़ी पावे, बाकी अपने टेस्ट मुताबक है। तो इस तरह जो नमक है असं चम्मच पाता, लेकिन फिर भी अपने टेस्ट मुताबक पा सकते हो। ये सारी चीज़ा इतने मिक्स करते हैं। देखो दाल भी, रेड मिर्च भी, नमक भी, तो हल्दी भी, हम असं इन बंद करता फुल सेक। तो असी इनू जो विसल्स हो कंप्लीट 10 विसल जो होनू उदो बंद कर देना अभी। उस तो बाद असी खोल के जो स्टीम निकल जाएगी देखेंगे यदि की पोजिशन है। हाँ देखो जी 10-12 विसलों तो बाद असी कुकर खोलन लगे हैं। तो आ देखो जी पानी जिन्ना पाया, क्योंकि असी बहुत पानी पाया सी, फिर भी देखो बिल्कुल पानी दाल ने सोक लिया। तो दाल गली हुई है, हुण असी इनू रलाण वास्ते थोड़ा जहा पानी सानू पाना पएगा, क्योंकि ये गर्म पानी असी रखे हुआ, गर्म पानी करके तो मिक्स कर देंगे। तो इनू रलाण वास्ते आ देखो जी थोड़ा जिहा पानी पावांगे, जिन्नी सानू रिक्वायर्ड है पानी दे उन्ना के असी पावांगे। साडी देखो जिन्नियां भी रेसिपीज ने साडियां जिन्नियां भी बनणगियां, वह हैवी चीज़ नहीं बनेगी, हैल्दी बनेगी। ये दाल बहुत हैल्दी दाल बनेगी, क्योंकि ये कोई भी हैवी चीज़ नहीं पई हुई। अरे हम 2-1 मिनट असी इनू तेज सेकते इनू कुकर इनू रलाना, असी बंद नहीं करना कुकर, असी इनू रला के इन बिल्कुल दाल और पानी ताकि मिक्स हो जाए, अलग अलग ना दिखन। हाँ देखो जी पूरे उबाले आ रहे हैं, बस असी इन्हों मिक्स करना इन्हें ताकि दोनों चीज़ें आपस मिक्स हो जाए। ये दाल बहुत हल्की बनती है और बहुत जल्दी बनती है, बहुत हेल्दी बनती है। हाँ देखो जी दाल असी पानी पाया सी, दाल बिल्कुल रेडी है, दाल और पानी मिक्स होके दाल तैयार है। बस असी हुण तुहानू काली मिर्च का तड़का लगा के दिखावांगे। हाँ देखो जी काली मिर्च का तड़का असी लगा लगे हुण देसी घी च, देसी घ्यो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पा सकते हो घट वध। तो ये असी काली मिर्च पानी, काली मिर्च इन्नी असी फ्राई करनी है भी फ्राई भी हो जाए भी सड़े भी ना, बस असी कोई किसी चीज़ हैवी चीज़ का असी तड़का नहीं लगाना। असी दाल सिर्फ अदरक पाया सी, तो लास्ट असी काली मिर्च का तड़का लगाया, सिर्फ टेस्ट सिर्फ दाल का आएगा। और ये इन्नी हल्की और हैल्दी दाल बनेगी कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी पर्सन इनू हजम कर सकता, चाहे बच्चा हो, चाहे यंग हो, चाहे बुजुर्ग हो। बस आ देखो जी ज़्यादा नहीं साड़नी असी, आ गर्म करनी है भी ज़्यादा, बस थोड़ी जी जो ये हो जाए समझो ये असी तड़का लगा देना। देखो
ਮਸਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਲ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ